सैयद अकबर साहब हैं जी लाहौर से, सवाल थोड़ा, वो कह रहे हैं जी सुनने में आ रहा है कि अब्दुल कयूम नियाजी को सिर्फ इसलिए आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कि तहरीक इंसाफ में पैदा होने वाली बगावत को कुचला जा सके। तो जमशेद अकबर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई बगावत वाली को कैफियत है। बाकी जहाँ एक बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अब तो पीटीआई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें राइवलरीज एक दूसरे के गिट्टे, हमारे बारे में तो वैसे ही मशहूर है वो लतीफ़ा, आपने सुना होगा कि आग के बने हुए कुएँ थे जहन्नुम में, तो हर एक के बाहर गार्ड्स खड़े थे, तो एक के बाहर गार्ड्स नहीं खड़े थे, तो किसी ने पूछा किसी फरिश्ते से कि यार इधर कोई गार्ड नहीं, उसने कहा इसमें पाकिस्तानी है, ये किसी को बाहर निकलने नहीं देते, हर एक का गट्टा खींच लेते हैं आपस में ये। तो ये इस तरह के तो लतीफ़े हैं हमारे बारे में। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में राइवलरीज हैं, कदूरतें हैं, हसद है, ये सारा कुछ है जो हम सब में है, वो जाहिर है बड़े स्केल पे वहाँ भी दिखाई देगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ को बगावत, नहीं बगावत वाला सीन नहीं है वहाँ। और बल्कि वो बात मुझे ज़्यादा अपील करती है कि वहाँ गवर्नर हैं सिंध में, वो एन से नाम शुरू होता है, इधर उस्मान एन से नाम शुरू होता है, खुद इमरान का नाम, इसी तरह और कोई एक दो लोग, हाँ वो जो उधर का शरद का, और ये इस तरह का एक आइडिया कुछ लोगों ने फ्लोट किया है, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। वो हो सकता है बगावत वाली कोई बात नहीं, मेरी इत्तलात के मुताबिक। आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब से पीटीआई इक्तदार में आई है मैं तब से अब तक इस्लामाबाद नहीं गया, बल्कि उससे भी शायद जब ये इक्तदार में आए तो उससे भी चंद महीने पहले मैं गया था। तो मैं अब बैरून मुल्क से भी लोग बुलाते हैं तो मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा वक्त किताबों के साथ गुजारना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग वगैरह का वैसे भी अपना कुछ शौक नहीं रहा। तो ये प्राइम मिनिस्टर को किसी ने बताया कि भाई वो आ रहे हैं, मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली फर्रुख हबीब और शाहबाज गिल। फर्रुख हबीब मेरे बहुत ही प्यारे लाडले छोटे भाइयों की तरह हैं, और हम दोनों हम शहर भी हैं और रहते भी पीपल्स कॉलोनी में। तो फर्रुख हबीब और शाहबाज गिल साहब के साथ मेरा, वो जब से अपना सारा कुछ वहाँ छोड़ छाड़ के यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो जब से पाकिस्तान आए पीटीआई के लिए काम करने, वो तब से पहली बार ये आए थे हुसैन पराचा साहब के साथ, वो बड़ा अच्छा हमारा एक तल्लुक, इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा बिल्कुल बिस्मिल्लाह। तो ये तो है उसका बैकग्राउंड, अगर ये जानना इतना ही ज़रूरी था। सो वो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि कहो कि जी मिलना है ज़रूरी। अच्छा, एक फिर आपका सवाल है मुलाकात कैसी रही। मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत खुशगवार रही, और हमारा रब्ता रहता है। मुझे चूँकि ऑपरेट नहीं करना आता ये सारा सिस्टम, तो माय डॉटर हुज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो वो उसको मैं कह देता हूँ कि बेटा ये मैसेज वगैरह भेज दो, बल्कि उसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि भाई उनको सिखाओ, अब तो 5 साल का बच्चा भी ये काम कर लेता है। तो हमारा रब्ता तो रहता है, इसलिए बाकायदा इस तरह आमने सामने बैठ के मिलना वॉज नॉट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट। अच्छी मुलाकात रही, गुफ्तगू प्रोडक्टिव रही, तामीरी रही। बॉडी लैंग्वेज इमरान की हर हाल में एक जैसी होती है, और वो कैसी होती है, जो एक इंतहाई कॉन्फिडेंट आदमी की होती है, जो हार की जीत की परवाह किए बगैर अपने टारगेट पे। अच्छा, अब आखिरी सवाल है आपका कि
क्या इमरान खान पाकिस्तान को बहरान से निकालने में पुरुमीद हैं या वो हिम्मत हार चुके हैं? अल्लाह माफ करे, हिम्मत हारने वाला तो वो मिजाज ही नहीं है। वरना 22 साल में मुझे बताए कोई, 22 साल जिसने इस तरह जंग लड़ी हो, यहाँ तक पहुँचा हो। ये तो बाकी सिलेक्टेड वगैरह, ये तो खुद चुके सिलेक्शनों की पैदावार हैं सारी, तो उनको शर्म आनी चाहिए। उसका पूरा एक करियर है सामने, उसको कोई चीज़ ज़िंदगी में कोई सुकून से आराम से और बड़ी कामयाबियाँ सुकून से मिलती भी नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो उन्होंने मुझे खुद बताया था एक बार, मुझे क्रिकेट की समझ नहीं है कि बेतहाशा मेहनत करके वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बने। शुरू में ही वॉज जस्ट ऑर्डनरी, एवरेज, बिलो एवरेज टाइप, दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी मेनी इयर्स अगो। मुझे उसकी समझ नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनना, उसके बाद ये जब शौकत खानम का एक्सपर्ट्स ने कहा, कितनी बार मैं ये बात रिपीट करूं। फिर वो नमल का भी लोगों ने कहा, अभी रहना है, जंगल है, बेआबान है, वहाँ कौन जाएगा, कौन पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है आपके सामने। फिर जब पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी, वो कल परसों हमारी जब मुलाकात हुई तो अपने साथियों को, ये थे अपना गंडापुर थे और सैफुल्ला नियाजी थे, तो बता रहे थे कि जब ये जर्नी शुरू किया है तो उस वक्त मैं क्या करता था। बहरहाल तो कुछ भी बैठे बैठाए नहीं, इमरान खान को जान तोड़ मेहनत के बाद अब ये चैलेंज है, देखे ना, वो अनअचीवेबल टारगेट्स थे, इसके लिए बहुत जबरदस्त मेहनत की। 22 साल अगर किसी को मार खाने, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसा बंदा कोई नहीं, और इससे पहले की तारीख में भी नहीं। ये सच्ची बात कि 22 साल की जद्दोजहद के बाद कोई इतनी देर डटा रहे, तो इसलिए ही इज कॉन्फिडेंट। और मेरा जाती ख्याल है, जो मैं कुछ अरसे से मैं हिंट दे रहा हूं कि मेरे नजदीक पाकिस्तान की समत का तयन शुरू हो चुका है और कुछ मामलात में सफर का बाकायदा आगाज। ये मैं कुछ दिनों में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि आप लोग यार कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, लोगों को बता ही नहीं पा रहे। महंगाई तो एक ऐसी चीज है कि घर में पहुंच जाए तो पता लग जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भाई ये आप लोगों के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कामयाब नौजवान है, सांस प्रोग्राम है, या वो पता नहीं लंबा चौड़ा खाता है, एक और है मुझे उसका नाम भूल रहा है, जिसमें गरीब लोगों को दिए जाएंगे ये सोलर एनर्जी के पैनल्स मुफ्त दिए जाएंगे, कर्ज दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा है कि भी किसी को कहें आप, मुझे अगर बिट्स एंड पीसेस में पता लगता है, यहाँ लोगों को तो पता ही नहीं। जो इंतहाई तामीरी काम, मुस्बत काम हो रहे हैं, उन पर पर्दा पड़ा हुआ है। महंगाई ऐसी चीज़ है कि आप ना बता सकते हैं ना छुपा सकते हैं, वो पहुंची हुई है हर घर में। बाकी जो सारा है, हाँ वो हेल्थ कार्ड वगैरह का, वो इतनी ज़बरदस्त तफसीलात हैं, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। मैं मेरे अपने पास जो कि मुकम्मल नहीं है उसका, उसके आदाद शुमार, तो ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह एज कॉन्फिडेंट एज एवर। अल्लाह करम करे उसकी, मेरा ख्याल है नीयत को ही कहते हैं ना, ये नीयतों पर दारोमदार होता है। तो इंसानों को तो इंसानों की नीयतों का एक अंदाज़ा ही हो सकता है, तो रब्बुल आलमीन तो बहुत अच्छी तरह जानता है कि किसकी क्या नीयत है। तो इसलिए आई होप के इंशाल्लाह, वो खुद तो जाहिर है ना उम्मीद होने वाला, तो पता नहीं पुरजा ही नहीं है उस बंदे के अंदर।